उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के भोजपुर थाना क्षेत्र का एक वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ लोग बुर्का पहनी लड़की और उसके साथ खड़े युवक के साथ बदसलूकी व मारपीट करते नजर आ रहे हैं और युवती से बोल रहे हैं कि मरने के बाद कब्र में नहीं जाना है क्या, मुस्लिम लड़के मर गए क्या, तू 50 साल की जिंदगी है तेरी, मुसलमान लड़के मर गए। जैसे ही वीडियो के बारे में पुलिस को पता चला, पुलिस ने तुरंत युवती के बयान के आधार पर 3 लड़कों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है, साथ ही साथ एक युवक को गिरफ्तार भी कर लिया है। भोजपुर थाना क्षेत्र में एक युवती मार्केट से कपड़ा खरीद कर अपने गांव की तरफ जा रही थी, तभी उसको उसके ही गांव का एक युवक मिल गया और वो बाइक पर बैठकर उसके साथ घर जाने लगी। इतने में मार्केट में स्थित दुकानदारों में से एक दुकानदार, जिसका नाम शने आलम बताया जा रहा है, उसने और उसके साथियों ने लड़की और उस लड़के के साथ गाली गलौज की। मामला यही नहीं थमा, मारपीट के दौरान लड़की से कई आपत्तिजनक बातें भी कही गई। लड़की के मना करने के बाद आरोपियों ने बोला, तू मुसलमान है, तुझे कब्र में नहीं जाना है क्या। लड़की ने जवाब में कहा कि ये शख्स मेरे पड़ोस का है, मेरे साथ आ गया तो तुम्हें क्या परेशानी है। बात यही नहीं खत्म होती है, इसके बाद आरोपी युवक बुरके में मौजूद लड़की का फोन छीन लेता है। लड़की रोने लगती है और ये सारा तमाशा कैमरे में कैद हो जाता है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो पर ध्यान देते हुए पुलिस ने 3 आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है और एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। वहीं इस पूरे मसले पर युवती ने पुलिस के सामने अपना बयान दर्ज कराया। युवती के अनुसार, जब वह मार्केट से कपड़े खरीद कर वापस गांव की तरफ अपने दोस्त के साथ जा रही थी, तभी कुछ दुकानदारों ने उसे रोक कर उसके साथ बदसलूकी की, गंदी गंदी गालियां दी, साथ ही उस लड़के को मारा पीटा भी। युवती का कहना है, जब उसने मना करने की कोशिश की तो आरोपियों ने कहा कि अगर किसी लड़के के साथ दिखी तो अंजाम बुरा होगा।